आज मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ कार्निवाल। उधर पहुँच के मैं आपको बताऊंगा कब से लेके कब तक ये कार्निवाल चलेगा और क्या टाइमिंग है उधर की एंड क्या टिकट प्राइस है। तो भाई सब एंटरटेनमेंट कार्निवल के बाहर से शुरू हो चुका है। फ्री में आज फ्री में एक्वेरियम का। तो लो भाई सोने पर सुहागा हो गया। सी वर्ल्ड की एंट्री टिकट आज इन्होंने फ्री रखी है। एंड टेक अ फर्स्ट लुक ऑफ दिस सी वर्ल्ड एंड दिस इज बॉय आर अमेजिंग। अंदर से पूरी ओशन वाली थीम बनाई इन्होंने और इसका सिर देख रहे भाई साहब और बैक साइड से इसकी स्किन पूरी ट्रांसपेरेंट है। तो मोर देन 50 टाइप्स से भी ज्यादा इनके पास डिफरेंट टाइप्स की फिशेस हैं। और रात को कार्निवल यार कितना सही लग रहा है। तो भाई साहब मजा आ गया आज। What's up guys, welcome back to the channel. This is Rahul and you are watching The Beginner. तो कैसे आप सभी लोग, I hope you all are absolutely fine. So today is Sunday and right now it's 5 PM in the evening. तो आज मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ कार्निवल जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में है। तो एग्जैक्ट डेट तो यार मुझे भी नहीं पता कि कब स्टार्ट हुआ, लेकिन कब से लेके कब तक ये कार्निवल चलेगा और क्या टाइमिंग है उधर की एंड क्या टिकट प्राइस है एंट्री टिकट, तो आपको उधर ही पहुंच के मैं बताऊंगा। एंड बहुत ही प्यारा सी वर्ल्ड भी बनाया जहाँ पर एक्वेरियम है, तरह तरह की उन्होंने फिशेस रखी है, तो उधर चल के मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। साथ में काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं भी यार बड़े टाइम बाद आज कार्निवल जा रहा हूँ। तो बहुत छोटे होते मैं गया था, मैं आई थिंक 8th-9th क्लास में होता था, तो उस टाइम मैं गया था 34 सेक्टर में कार्निवल देखने। तो चलो चलते हैं, आपको भी जाकर उधर दिखाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यार लाइक नहीं करते आप, वीडियो देखते हो लेते हो लाइक बटन कम आते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अब मिलते हैं आपसे सीधा हम कार्निवल में, तब तक आप रोड ट्रिप का मज़ा लीजिए। सो लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम ऑन द वे, इस वक्त हम 6 फेस पहुंचे हैं और जैसा कि आप सामने देखोगे तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इस वक्त, बिकॉज आज संडे है एंड दिन में तो यार काफ़ी ज़्यादा यार गर्मी होती है, तो इसी टाइम सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। फाइनली मानसून भी चंडीगढ़ को अलविदा कर चुका है, बिकॉज सामने आप देखोगे तो मौसम भाई एकदम क्लियर है एंड पिछले एक हफ्ते से भाई सूरज देवता भी अपने फुल ऑन मोड पर है। और सामने जो आप ये रोड देख रहे हो सेक्टर 34 एंड 44 बाला रोड है, तो ठीक यहीं से अब हम लेफ्ट टर्न लेंगे सेक्टर 34 के लिए। आप चाहो तो सेक्टर 34 35 वाली लाइटों से भी आ सकते हो, लेकिन भाई उधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है, तो अगर आप ट्रैफिक से बचना चाहते हो तो आप इस रूट को भी फॉलो कर सकते हो। और ये रोड सीधा आपको सेक्टर 34 की मार्केट के बैक साइड से ले आएगा। तो मिलते हैं हम आपसे सीधा पार्किंग में। सो लेट्स गो। तो फाइनली मेरी सेक्टर 34 और सामने आप बैक साइड देख रहे हो तो कार भी हमने पार्क कर दी है पार्किंग में। सामने सेक्टर 34 की मार्केट है और ठीक इसके बैक साइड ये पार्किंग है। तो चलो अब चलते हैं हम सीधा आगे कार्निवल के और लेट्स गो। तो अभी जस्ट हम पार्किंग से बाहर की ओर आए हैं, सामने आपको दिखाई दे जाएगा कार्निवल। तो जस्ट अभी हमने रोड क्रॉस करके उधर की ओर जाना है। तो ये सेक्टर 34 की मेन पार्किंग है जो कि दुकान के फ्रंट एंड साइड है और सामने आप देख ही सकते हो कितना ट्रैफिक है यार यहाँ पर। एंड भाई पार्किंग भी अंदर पूरी भरी पड़ी है, तो सही किया हमने यार बैक साइड वाली पार्किंग में कार पार्क कर ली है, बिकॉज शाम को तो भाई इससे भी ज्यादा यहाँ पर भीड़ होने वाली है। इस बार यहाँ पर भी दो दो कार्निवल हो रहे हैं। तो ये कार्निवल जो आप देख रहे हो ये जस्ट सेक्टर 34 के बैक साइड वाली पार्किंग है, उसी के सामने ये कार्निवल हो रहा है। तो अभी जस्ट हम भी रोड क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं और सामने ये टिकट काउंटर बना है जहाँ से लोग इस वक्त टिकट ले रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो मैंने भैया से पूछा था टिकट काउंटर पर, तो उन्होंने बताया कि ये 11 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था कार्निवल एंड जन्माष्टमी तक ये कार्निवल चलने वाला है। एंड 30 रुपीज पर पर्सन चार्जेस है यहाँ पर एंट्री टिकट के। तो चलो अब हम भी जाके टिकट लेते हैं एंड देन आपको अंदर से कार्निवल दिखाते हैं। तो यार भाई साहब एंटरटेनमेंट तो यार एग्जीबिशन के बाहर ही शुरू हो चुके हैं। आप सामने देखोगे तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि डांस कर रहे हैं। बेसिकली ये राजस्थानी डांस एंड पोशाक जो इनने वियर करी है वो भी राजस्थानी, एंड पीछे आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा ढोल है जो कि बजा रहे हैं, उसके ताल पर ये नाच रहे हैं। तो एक तरह से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं भाई साहब, डांस देख के मज़ा आ गया। तो चलो हम कार्निवल के अंदर चलते हैं। सो लेट्स गो।
तो फाइनली हम कार्निवाल के अंदर आ चुके हैं एंड एक बार आप सामने देखोगे तो यार बहुत ही सुंदर इन्होंने अंदर से डेकोरेट किया है इसको। तो कार्निवाल के अंदर आपको जगह जगह स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे कपड़ों से लेके हर एक चीज़ के। और ये कारपेट्स का स्टॉल है, आप देख ही सकते हो कितने सारे इन्होंने कारपेट्स रखे हैं यहाँ पर, और ये सारे 100% हैंडमेड कारपेट है एंड ये स्पेशली कश्मीर से हैं अपने यहाँ पर कारपेट बेचने के लिए। और ये सारी क्रोकरीज का स्टॉल है, और ये चाय वाला कप देख रहे हो भाई साहब कितना सही लग रहा है यार ये। एंड कप्स के तो यार इन्होंने बहुत अच्छे कलेक्शन रखे हैं यहाँ पर, तो अगर आप क्रोकरीज का सामान लेने की सोच रहे हो तो एक बारी आप यहाँ पर भी ज़रूर विजिट करना। एंड इस स्टॉल में आपको सारी वुडन आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, आप देख ही सकते हो कितनी सारी इनके पास कलेक्शन है एंड सारी डेकोरेटिव से लेकर हर एक चीज़ इनके पास अवेलेबल है। और ये सारा फूड स्टॉल है तो यहाँ पर आप अलग अलग स्टेट्स के व्यंजनों का मज़ा भी ले सकते हो। तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं जो कि स्टॉल में अपना सामान बेच रहे हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सभी लोग अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि अपना सामान बेच रहे हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐसे ही देखी जो कि आपको ईजिली चंडीगढ़ में नहीं मिलेगी। और ये सारा झूलों का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए यहाँ पे झूले लगा रखे हैं, तो अलग अलग तरह के आप यहाँ पे राइड्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आके आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये गेम्स वाले स्टॉल है सारे, तो अलग अलग तरह के इन्होंने गेम्स रखे, अगर आप जीतते हो तो बदले में आपको प्राइज मिलता है। एंड ये सारे महात्मा बुद्ध के स्टैचूस हैं, तो ये सारे डेकोरेशंस के लिए हैं एंड बहुत ही अच्छे इन्होंने कलेक्शन रखी है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर आके आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, हमें भी तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं एंड 7 बजने वाले इस वक्त शाम के। तो चलो अब हम यहाँ से दूसरे एग्जीबिशन की तरफ चलते हैं जहाँ पर इन्होंने सी वर्ल्ड बनाया, मैंने सोचा इसमें बनाया होगा लेकिन वो दूसरे एग्जीबिशन में है, तो चलो उधर चलते हैं जाके एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं, सो लेट्स गो। तो अभी हम उसी कार्निवाल से रोड क्रॉस करके अभी मेन पार्किंग की तरफ आए हैं, और सामने आप देख रहे हो तो ये दूसरा कार्निवाल लगा है, तो खाली 100 मीटर की दूरी पर है ये दोनों कार्निवाल। और सामने इन्होंने सी वर्ल्ड की टाइमिंग्स मेंशन की है, सुबह 11 से लेकर रात के 10 बजे तक की ओपन रहता है। तो ये कार्निवल 30 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, आने वाले कुछ दिनों तक और रहेगा। और ये सामने टिकट काउंटर है, यानी यहाँ पर भी 30 रुपीज टिकट चार्जेस है, तो दोनों कार्निवल के सेम ही है प्राइस। फ्री में एक्वेरियम का, तो फिर वो किस चीज का काउंटर जो वहाँ कटवा रहे हैं? वो पेटीएम है ऑनलाइन। अच्छा, वो ऑनलाइन, ये उसी का ही है, ठीक है। तो ये इस कार्निवल की मेन एंट्रेंस है जो कि इन्होंने गुब्बारों से डेकोरेट की है, और अगर आप मेरे बैक साइड देखोगे तो भाई साहब पार्किंग देख रहे हो पूरी फुल पड़ी है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितने सारे लोग आज के दिन ये कार्निवल देखने आए हैं। और एक बार आप अंदर से देख लो भाई साहब क्या ही गजब का इन्होंने कार्निवल बनाया, एंड ये पिछले वाले से भी डबल बड़ा कार्निवल है। तो फाइनली हम कार्निवल के अंदर आ चुके हैं, सामने आप इतनी लंबी लोगों की लाइनें जो देख रहे हो ये सभी लोग सी वर्ल्ड देखने आए हैं, बिकॉज आज के दिन इन्होंने सी वर्ल्ड की एंट्री टिकट फ्री रखी है। वैसे तो उसकी 100 रुपीज टिकट प्राइस है पर पर्सन के हिसाब से। और एक बार यार भाई अंदर से फिश वर्ल्ड का फर्स्ट लुक देख लो, भाई साहब क्या ही गजब की अंदर इन्होंने थीम बनाई है, पूरी ओशन वाली थीम है ब्लूइश कलर की। एंड अब बाकी में ऐसा फील आ रहा है कि हम किसी एक्वेरियम के अंदर आ चुके हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी फिशेस पाई जाती है वो सभी फिशेस आपको इस एक्वेरियम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 50 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप की फिशेस देखने को मिलेगी, और कुछ फिशेस ऐसी हैं जो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले भी मैं एक दो एक्वेरियम विजिट कर चुका हूँ, तो उनके पास भी इतनी सारी वैरायटीज नहीं थी जितनी आज मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तो हर टैंक के ऊपर इन्हें फिश का नाम लिखा हुआ है, एंड टैंक के अंदर आप देख ही सकते हो बहुत सारी छोटी छोटी इन्होंने फिशेस रखी हुई है। तो बेसिकली इसका नाम टेट्रा है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि 4 डिफरेंट कलर्स के ये फिशेस हैं।
और इन मछलियों को देखो भाई किस तरह से शीशे के साथ चिपकी हुई है। तो मेरी तरफ से ये जगह फुली रिकमेंडेड है, बहुत ही प्यारा इन अंदर एक्वेरियम बनाया है, तो एक बार आप सी वर्ल्ड जरूर विजिट करना। और ये छोटे शार्क फिशेस हैं, आप देख ही रहे हो इनका मुंह कितना लंबा है। और ये चीज देखने वाली है, सामने जो फिश देख रहे हो इसकी स्किन पूरी ट्रांसपेरेंट है, इवन इसके अंदर का पूरा स्केलेटन साफ दिखाई दे रहा है, और ऊपर इनके ग्लोइंग स्किन है जो कि नेचुरली लाइट से ग्लो कर रही है। और ये मुझे कुछ कुछ लिजर्ड और ड्रैगन की तरह लग रहा है। तो भाई कैसी कैसी चीजें यार, तो इससे एजुकेशन मिलती है कि ये सब चीजें भी हमारी अर्थ में पाई जाती है। तो अभी हम सी वर्ल्ड से बाहर की ओर आए हैं भाई, मजा आ गया अंदर फिशेस देखकर। और रात को आप देखोगे तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है कार्निवल, और सामने स्टेज पर छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं। तो ओवरऑल सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई झूले ले रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, तो कोई फूड एंजॉय कर रहा है। तो अगर आपको क्राउडेड एरिया पसंद है तो मैं आपको फुली सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आओ, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आकर फन कर सकते हो, और स्पेशली बच्चों के लिए तो यार बहुत बढ़िया जगह है ये। तो अभी इस वक्त रात के 8:30 बज चुके हैं, हम घर से तकरीबन 5 बजे निकले थे, तो भाई टाइम का यार बिल्कुल भी पता नहीं लगता जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में आते हो। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है जो कि मैंने आपको लास्ट एग्जीबिशन में दिखाया था। तो चलो अब हम बाहर की ओर चलते हैं, सो लेट्स गो। तो अभी हम पार्किंग की ओर जा रहे हैं, सामने आप देखोगे कितना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो ये मेन पार्किंग के सामने सारा जाम लगा हुआ है, तो बढ़िया कि यार हमने बैक साइड वाली पार्किंग में कार पार कर दी थी। सो गाइस फाइनली हम कार्निवल भी घूमाए, बहुत ज्यादा भीड़ थे बिकॉज आज संडे था, तो सभी लोग आज कार्निवल घूमने आए थे। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया एंड साथ में आपको टाइमिंग्स और टिकट भी बता दी कब तक ये ओपन रहता है, एंड जो एक्वेरियम था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन जो मेन चीज थी वो टनल थी, तो आज वो क्लोज थी बिकॉज आज इन्होंने एंट्री फ्री करी थी एक्वेरियम की, नहीं तो 100 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेते आइए एक्वेरियम में एंट्री करने के लिए। तो बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ मैं, तो भाई मेरे लिए तो भाई ठीक ठीक था बिकॉज जैसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया पसंद नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है जिन्हें क्राउडेड एरिया बहुत पसंद है और यहाँ पे फन करना चाहते हो, तो उनके लिए तो भाई फुली रिकमेंडेड है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम आपसे दोबारा ऐसी किसी नई वीडियो नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।